नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 3500 से ऊपर एडवांस एक्सेल, वीवीए माइक्रो, एमएस एक्सेस, गूगल शीट, टैबलू एंड पावर बीआई से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। और मैं पिछले 2007 से एक्सेल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2014 से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि पायथन के ऊपर भी कुछ वीडियोज बनाए। जी हाँ, पायथन के ऊपर भी कुछ वीडियोज बनाए। लेकिन पायथन को मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में पढ़ा था, जब मेरी डेटा विजुलाइजेशन का कोर्स चल रहा था उसमें पायथन का एक चैप्टर था, तो हमने उसको एमवीएल में पढ़ा था। लेकिन मैं रिसर्च करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ कि पायथन का यूज़ क्यों, क्योंकि पायथन का यूज आप पावर बीआई में भी कर सकते हो, आप टैब में भी कर सकते हो, सम काइंड ऑफ द हेल्प वो एक्सेल और वीवीए प्रोग्रामिंग में भी करता है। तो इसी चीज़ पे चलिए डिस्कस करते हैं पायथन प्रोग्रामिंग। और आप पहली बार हमारे वीडियो में चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो वीडियोज है उसका अपडेट मिलता है पायथन से रिलेटेड और बाकी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है जो एप्लीकेशंस उससे भी रिलेटेड। तो सबसे पहले पायथन के बारे में समझते हैं, पायथन है क्या। जी हाँ, पायथन क्या है, अगर हम बात करें पायथन का कि जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, पायथन क्या है, पायथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक देखो टाइवी नाम के TIOVE प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है, उसने इंडेक्स में उन्होंने क्या किया हुआ है कि पायथन को टॉप 10 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के उन्होंने रखा हुआ है। जी हाँ, टॉप 10 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखा है 2017 में। और उसी के अकॉर्डिंग पायथन इज द जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पायथन से हम करेंगे क्या, तो पैथन के जरिए आप अपने डेस्कटॉप के लिए GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि कोई एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, जैसे एक्सेल है और बहुत सारे आप देखते होंगे, आप जाते होंगे यहाँ मॉल में जाते होंगे तो मॉल जैसे सेल्स का जो होता है, ये अलग आपको रेलवे टिकटिंग का जो है, इस तरह के बहुत सारे अपनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन को भी डेवलप किए जा सकती है। अब वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन है जो कि चलती है वेब पे चलती है, वेबसाइट पे चलती है, जैसे कि आप बात करें ओरिकल की, ओरिकल डेटाबेस वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। आप बैंक पे जाते हैं तो बैंक के जो आई लोन होते हैं, किसी भी ब्रांच से कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, आई लोन होता है, वो वेब एप्लीकेशन है। आप एटलीस्ट गूगल को देख लीजिए, गूगल इज ऑल्सो द वेब एप्लीकेशन, जो गूगल के ड्राइव्स वगैरह है वो हमारे वेब एप्लीकेशन है। इस तरह की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और पायथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ध्यान रखिएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। इसके जरिए आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप अगर थॉर मूवी, आयरन मैन मूवी देखे या एवेंजर्स देखे, उसमें आपका जार्विस या गूगल AI है, ओके गूगल या अलेक्सा है, इस तरह की AI जो है पायथन के जरिए आप क्रिएट कर सकते हैं जो वॉइस कमांड पे चलता है। अब इसमें ये है जो इसका कोर फंक्शन है, वो कोर फंक्शन है एप्लीकेशन बाय टास्किंग केयर एंड कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क, सिंपली सिंटैक्स रूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, मतलब कि एक तरह से कहिए थे आज के ज़माने में या फिर हमारा जो फ्यूचर में जो कंप्यूटर होगा उसके लिए पैथन फिट बैठ रहा है। फिर भी 7 रीजन है टू वाई यूज द पैथन फॉर द राइटिंग द एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। पहला आपका रिलायबल एंड मेंटेबल कोड, ओके, इसके जरिए आप फोकस कर सकते हैं क्वालिटी पे, इट्स कोड सोर्स कोड पे, उसको सिंपली मॉडिफाई या मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का होता है, आपने मान लो .NET के जरिए आपने, या फिर मैं अपने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की बात करूँ, हमने कोई माइक्रो बना दिया
और मैक्रो सिंपल तो ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मैक्रो है, तो उसको अपडेट करना, उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट यहाँ पे इस चीज़ का है कि उसको आप इजीली मेंटेन एंड अपडेट कर सकते हैं। और पैथन अलाउ यू टू एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ द विदाउट राइटिंग एडिशनल कोड एट द सेम टाइम। पैथन अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्फेसिस साइट ऑफ कोड लेवल अलाउ टू यूज इंग्लिश कीवर्ड इंक्रीज ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस हेंस You can be Python build the custom applications without writing additional code. The readable and clean code base of the help of your maintain the updated software without putting the extra time and effort. English है हमारे कुछ बच्चे जो है गांव साइड से है, हो सकता है इसको ना समझे, तो मैं सिंपली समझा देता हूँ। आपने जैसे गूगल पे ओके गूगल कहते हैं तो उसमें कभी कभी हमारी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा जाती है। जो आप AI बनाते हैं तो इसमें पैथन के साथ ऐसा नहीं होता है, वो प्रोनाउंसिएशन को पकड़ लेता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कोड में सिंपल है और रीडेबल है। दूसरी बात करें मल्टीपल प्रोग्रामिंग पेट टीम्स, ये जो दूसरे जो हमारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके तरह है, ये सपोर्ट करता है सर्वर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को एंड सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फुल्ली। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग को फुल्ली सपोर्ट करता है, इसे वेरियस कंसेप्ट है। और ये जो है डायनेमिकली अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम पे वर्क करता है। इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मशीन लर्निंग पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। और इसके जरिए जब आप डेवलपिंग द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करते हैं तो पैथन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब इसमें एक चीज और है, तीसरा है कंपेटेबल विथ मेजर प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम। ये हर तरह के सिस्टम हर तरह के सॉफ्टवेयर के साथ एक कंपेटिबल है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए फलाना होगा उसके लिए ठिकाना होगा। जो होता है ना आपके कि आपकी exe फाइल है तो आपकी इसके लिए इतनी मेमोरी चाहिए, इसके लिए इतना साइज चाहिए, ये .NET फ्रेमवर्क चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसी चीज़ की ज़रूरत इस पर नहीं होती, ठीक है। और ये जो है इसमें आप इसको अलाउ कर सकते हैं कि एक ही तरह के कोड को मल्टीपल प्रोग्राम में इसको यूज कर प्लेटफॉर्म मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, वो भी विदाउट कंप्लीशन। उसके बाद चौथा कारण आता है रिवर्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी जो लाइब्रेरी है वो अच्छा है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, जहाँ से जैसे एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला होता है, उसके बाद हमारे पास और भी आइडियज फॉर्मूले मिलते हैं एक्सेल में, उसी तरह से इसका एक लाइब्रेरी होता है, आइडियज लाइब्रेरी होता है जहां से आप उठा सकते हैं। और इसमें क्या है कि मैनी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क एंड टूल्स, ये जो प्रोग्रामिंग इसकी सोर्स प्रोग्रामिंग है, सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बहुत ही कंटेन करती है डेवलपमेंट एंड कॉस्ट सिग्निफाइंग को, जिसके जरिए आप जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी डेवलपमेंट टूल्स को आपको प्रोवाइड करता है और आपको ईजली करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पैथन जियो लुक एट टूल्स, इसके PyQTI है, PyJS है, जावास्क्रिप्ट है, PyJUI है, Kiwi है, PyGTK है एंड WxPython है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए ऐसे लाइब्रेरीज आपको सपोर्ट करता है। और सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। जी हाँ, AI के लिए पैथन बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी यूज करते हैं। और यह होता है अडॉप्ट टेस्ट डिविजन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि कोई भी प्रोटोटाइप, जैसे कि यू कैन यूज Python and create the prototype of the software application readily also। तो जैसे कि मतलब कि आप TTE बनाना चाहते हैं,
या किसी भी तरह का अगर आप प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं तो उसकी सोर्स कोड के लिए सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा रहता है पाइथन। तो पाइथन के 7 जो सिंप्लीफाई है इसके लिए है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें मैं मिस कर दूं, तो ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर इन शॉर्ट हम सिंपल सी बात करें तो पाइथन जो है वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप जिसके मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन को ईजिली बना सकते हैं, एआई को ईजिली बना सकते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि गूगल है, जैसे कि एलेक्सा है और जालविस था, ऐसे एआई को ईजिली बना सकते हैं। तो मैं अपनी समझ को, अपने रिसर्च को इसी तरह से वीडियो के माध्यम से हम डालते रह सकता हूँ। हो सकता है कहीं पर मैं गलती कर दूं या कहीं पे मैं गलत कर दूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द पाइथन, आई एम लर्निंग विद पाइथन। हाँ, आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट इन द एडवांस एक्सेल, जीवीए माइक्रो एंड अदर एप्लीकेशंस जो स्क्रीन पे दिख रही है, जिसको मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, जिसकी 3500 वीडियोज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसको आप दे सकते हैं। और मे भी एक या दो साल बाद मैं भी पाइथन में एक्सपर्ट हो जाऊं और बोलूं कि आई एम पाइथन एक्सपर्ट। थैंक यू।